सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों हमारा मिशन है कि हम आपके अंदर जो DI का डर बना हुआ है उसको ख़त्म कर सकें, और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट डरते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये जो डेटा है किस तरह से हमें मैनेज करना है, किस तरह से हमारा आंसर आएगा। इस तरह का डेटा देखते ही हमारे होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसानी से ये बताएंगे कि इस तरह के डेटा को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज की ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका जो डर बना हुआ है इस तरह के क्वेश्चन को देख के वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। ये दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पर। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये आया था जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और जैसे हमने एवरेज परसेंटेज वगैरह ये सारी बेसिक चीज़ें DI के बारे में ये हमने करवाई थी हमारी पहली वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं, वो वीडियो देखेंगे तभी आप DI के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ जो है कि वो हमें राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि मान के चलो कि हम जोड़ घटा गुना भाग करते हैं, और किसी से हम मान के चलते हैं कि 15,625 रुपये मांगते हैं, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि चल छोड़ यार, तू 15,600 रुपये दे देना। तो इस तरीके से ऊपर के थोड़े बहुत रुपये छोड़ देना या ऐड कर देना। जैसे कि हम मान के चलते किसी व्यक्ति से 29,936 रुपये मांगते, तो हम क्या कहेंगे कि उससे 30,000 रुपये के करीब मांगते हैं, तो 30,000 में उसको काउंट करेंगे। तो ये होता है राउंड ऑफ करना। और एक और चीज़ दोस्तों इसके अंदर जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि देखिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे। देखिए, 4 मीटर रस्सी को 8 भागों में बांटना है, और दूसरा है 6 मीटर रस्सी को 20 भागों में बांटना, तो कौन सा हिस्सा बड़ा होगा। ये देखिए, एक हम ले लेते 4 मीटर, ये रस्सी है हमारी, ठीक है। इसको हमें कितने भागों में बांटना है, 8 भागों में बांटना है। और दूसरा है हमारे पास 6 मीटर रस्सी है, ये यहाँ तक ले लेते, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, ये 6 मीटर रस्सी हमारी, इसको हमें 20 भागों में बांटना है। तो आप बताइए कौन सी रस्सी बड़ी होगी, ये 4 मीटर वाली रस्सी बड़ी होगी या फिर छः मीटर के जो हिस्से करेंगे वो बड़ा होगा, यानी कि कौन सा हिस्सा हमारा बड़ा होगा। यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जो 4 मीटर का जो हिस्सा है वो बड़ा होगा, कि क्योंकि 4 को हम 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 को हम 20 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके 6 के जो टुकड़े वो बहुत छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन 4 मीटर वाले रस्सी के जो टुकड़े वो थोड़े बड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या बड़ा होगा हमारे पास, 4 मीटर वाली रस्सी के जो हिस्से वो बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से एक छोटी सी बेसिक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि वो नीचे कितने से डिवाइड हो रहा है और ऊपर कितनी संख्या, ये थोड़ा सा हमें लॉजिक देखना पड़ता है, तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ये जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम्पल हमारा आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है, सन 1997 से 1998। अब देखिए, 97-98 कहाँ पे है हमारे पास, 97-98 ये है, और 2005-06 हमारे पास ये है कि अवधि में सिंचाई किस स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक कमी दर्ज हुई है। हमें क्या पता करना है दोस्तों, सर्वाधिक कमी पता करना है हमें, कमी किसके अंदर हुई है, कमी प्रतिशत बताना है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान में ये चीज़ देने वाली है दोस्तों, मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़िए, वहीं से आपका क्वेश्चन निकल के आएगा। ये देखिए, इसने कहा है कि सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब होता है यानी कि अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा कमी प्रतिशत किस में दर्ज हुई है, ये हमें पता करना है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि कमी, कमी किस क्षेत्र में हुई है वो हमें देखना है। अब देखिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन से ही लेके चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया सरकारी नहर, सरकारी नहर हमारा ये हो गया, फिर है निजी नहर, निजी नहर ये हो गया, फिर है तालाब, तालाब हमारा ये हो गया, फिर है अन्य
अन्य स्रोत है ये है। अब इनमें क्या देखना है, कमी प्रतिशत देखना है और सर्वाधिक देखना है, ज़्यादा कमी किस क्षेत्र में हुई है ये हमें देखना है, और 1997 से 2005 के बीच में यहाँ पे हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ लेके चलता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में कमी हुई है या ज़्यादा हुई है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कमी हुई है दोस्तों, ये 1700 से 17000 से 15000 यहाँ पे दिया हुआ है, ये कमी हुई है। फिर निजी में यहाँ भी देखिए यहाँ भी कमी हुई है। फिर उसके बाद में तालाब है, तालाब 2593 से 2034 यहाँ भी कमी हुई है। लेकिन अन्य स्रोतों के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे 3100 से 7300 हो गया, यहाँ पे क्या है बढ़ा है। तो इस जो ऑप्शन नंबर डी है इसको तो हम बिल्कुल कट कर दें क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हुई है और हमें क्या निकालना है दोस्तों, कमी प्रतिशत निकालना है। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये आंकड़े हैं 17117 दिया हुआ है, फिर 15268 दिया हुआ है, तो इस तरह की जोड़ घटा गुना भाग करने में काफ़ी दिक्कत आएगी और इनकी परसेंटेज निकालेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, अब हम मैंने बताया था कि आपको हम राउंड फिगर करेंगे, ठीक है, तो राउंड फिगर से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम सरकारी नहर की बात करते हैं, सरकारी नहर ये है और 1997-98 ये है, 2005-06 ये है, इसके अंदर 17117 है, इसको हम दोस्तों 17000 लिख लेंगे। 17117 को हमने क्या लिख लिया, 17000 लिख लिया। और फिर हमारा जो 2005-06 की बात है इसके अंदर क्या है, 15268 है, तो इसको हम 15000 लिख लेंगे, ठीक है, राउंड फिगर इन दोनों को लिख लेंगे। इसी तरीके से जो निजी नहर और ये है, निजी नहर है, निजी नहर में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे 211 और 207, क्योंकि इनमें हमें क्या है कि गुना भाग या प्लस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो हमने इसको निजी नहर को इतना ही लिख लिया। राउंड फिगर हम उसी का करते हैं जिसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, ज़्यादा बड़ी संख्या हो तो उसका करते हैं। अब बात आती है दोस्तों तालाब की। अब तालाब में देखिए दोस्तों यहाँ पर 2593 है, 2593 को हम 2600 लिख सकते हैं, और नीचे है 2034 है, 2034 इसको हम 2000 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये करना है, राउंड फिगर इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे बात आती है दोस्तों आगे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बताया राउंड फिगर, राउंड फिगर इस तरह से लिखेंगे, ये आपको बात समझ में आ गई। दोनों को हमने लिखा राउंड फिगर, यानी कि 1997 और 2005 दोनों को हमने राउंड फिगर कर लिया। अब बात आती है दोस्तों परसेंटेज निकालने की बात आती है। परसेंटेज के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों बात आती है परसेंटेज कैसे निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के बारे में मैंने आपको दो वीडियो में अच्छे से बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। पहले सबसे पहले दोस्तों हम 17000 में से 15000 माइनस करेंगे और फिर बटे में 17000 करेंगे और गुना में 100 करेंगे, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। देखिए अब इसको हम बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेप समझने की कोशिश करते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखना, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17000 में से 15000 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 2000 आ जाएगा। 2000 बटे में हमने 17000 कर दिया, 100 है 100 हम बाद में करेंगे, 100 को आप एक टाइम के लिए भूल जाइए दोस्तों, 100 को भूल जाओ क्योंकि 100 सभी में लग रहा है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17000 में से 15000 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2000, 2000 बटे में 17000 कर दिया। अब बात आती है निजी नहर की। अब 211 में से 207 हमने माइनस किया तो कितना आ गया दोस्तों, 4 बटे में 211 यहाँ पे आ गया हमारे पास। फिर आते बात है तालाब की। तालाब में 2600 में से 2000 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 600 बटे में 2600 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आई, यहाँ तक ये देखिए सबसे पहले इतना समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि 17000 कहाँ से आया, 15000 कहाँ से आया। 17000 15000 हमने राउंड फिगर किया था, इसका और इसका यहाँ से आया था, और 2000 हमारा यहाँ से आया, 17000 में से 15000 हमने माइनस किया, बटे में 17000 इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई, इस स्टेप तक। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक हमें समझ में आ गई बात, अब आगे देखते हैं कि सर्वाधिक कमी प्रतिशत किसके अंदर हुई वो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए अब एक टाइम के लिए एक बार ये 100 तो आप भूल ही जाइए,
अब देखते हम, मैंने वही बात अब आ रही है दोस्तों, जो रस्सी वाली बात थी ना, देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रस्सी वाली बात थी यहाँ पे, एक तो 4 मीटर को हम 8 भागों में बांट रहे थे और एक 6 मीटर को हम 20 भागों में बांट रहे थे। तो हमारी बड़ी कौन सी थी दोस्तों? ये थी। अब यही बात हमें इसके अंदर लगानी है। अब देखिए, एक रस्सी तो है हमारे पास 2 मीटर, 2 मीटर को हम 17 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरी है दोस्तों 4 मीटर है, 4 मीटर को हम 211 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों 6 मीटर, 6 मीटर को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों? 26 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे जो छोटा पार्ट होगा, सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? अब देखिए, ये जो है, ये इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि 4 को जब हम 211 में डिवाइड करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े उसके हो जाएंगे। तो ये जो है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सर्वाधिक पता करना है, ना कि हमें छोटा। ये हमारा क्या हो रहा है? सबसे कम पार्ट हो रहा है, हमें ये नहीं देखना, ठीक है? तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या रह गया दोस्तों? अब हमारे पास दो चीज़ रहेगी, एक तो 217 रह गया और एक 626 रह गया। अब इसमें, इन दोनों में देखना है हमें सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, यानी कि बड़ा कौन सा इनमें, वो हमें देखना है, बड़ा पार्ट कौन सा है। अब देखिए, यहाँ पे एक तो हमारे पास 2 मीटर रस्सी है, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 मीटर, 2 मीटर के हमारे पास 17 टुकड़े हो रहे हैं, और एक है 6 मीटर, 6 मीटर के हमारे पास 26 टुकड़े हो रहे हैं। 6 मीटर को आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, 6 बटे में 26, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 मीटर के यहाँ पे कितने टुकड़े हो रहे हैं? 13 टुकड़े हो रहे हैं, और यहाँ पे 2 मीटर के 17 टुकड़े हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 मीटर रस्सी छोटी है और टुकड़े कितने हो रहे हैं? 17 टुकड़े हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, रस्सी हमारी 3 मीटर है और जो हमें कितने भागों में डिवाइड करना है? 13 भागों में डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें कितने में करना था? 17 भागों में डिवाइड करना था। तो हमारी रस्सी बड़ी कौन सी होगी दोस्तों? यानी कि टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े किसके बनेंगे? 3 मीटर वाले के बनेंगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात, और चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये दूर होना ज़रूरी है। देखिए, 2 मीटर, एक तो 2 मीटर रस्सी है, इसके हमने 17 टुकड़े किए 2 मीटर रस्सी के, और एक हमारे पास 3 मीटर रस्सी है, 3 मीटर के हम 13 ही टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है? तो बड़े जो भाग होंगे वो किसके होंगे दोस्तों? 3 मीटर वाली रस्सी के बड़े भाग होंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, वो तालाब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा, एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है 8708321010, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको बात समझ में आ भी जाए ना, तो प्लीज़ 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 आप ये लिखना कि सर हाँ हमें समझ में आ गया, ठीक है? कहना कि सर क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है, ताकि दोस्तों हमें पता चल सके कि हमारी जो मेहनत है वो कितनी काम कर रही है। और अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें इन्होंने दिया है सन 2002 से 3 कहाँ पे दोस्तों? ये रहा 3 से 4 ये रहा के दौरान किस सिंचाई के स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? अब देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है दोस्तों, सेम टू सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या करना है, ये 2 ईयर लेनी है हमें, और इसने कहा है कि कौन से सिंचाई के स्रोत से सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पे हमें वृद्धि पता करनी है दोस्तों, और यहाँ पे हमें क्या था, यहाँ पे कमी पता करनी थी, बस इसके अंदर ये फ़र्क है, क्वेश्चन हमारा सेम ही है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जैसे सबसे पहले ईयर देखते हैं 2 से 3, और किस किस के अंदर देखने हैं दोस्तों? सरकारी नहर, सरकारी नहर ये होगी, तालाब हमारा ये हो गया, नलकूप और वो ये हो गए, और अन्य स्रोत हमारे पास ये हो गए। अब इनमें देखते हैं कि किसके अंदर वृद्धि हुई है और किसके अंदर माइनस हुआ है। अब देखिए, सरकारी नहर यहाँ पे वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। फिर है हमारे पास तालाब, तालाब के अंदर यहाँ भी वृद्धि हुई है। उसके बाद में नलकूप
के अंदर यहाँ भी हमारी वृद्धि हुई है, और फिर अन्य स्रोत यहाँ भी हमारी वृद्धि हुई है, यानी कि हर जगह हमारी वृद्धि हो रही है। तो मतलब चारों के चारों हमें निकालने हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये कैसे निकालेंगे, हमें कैसे निकालना है। ये भी बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। और मैं आपको बताऊंगा कि राउंड फिगर का यूज़ करके इसे कैसे निकालना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो काम करना है वो करना है हमें राउंड फिगर का करना है। अब देखिए राउंड फिगर कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम सरकारी नहर की बात करते हैं। सरकारी नहर ये रही 2003, देखिए 2003 ये रहा 14,444 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 14,400 लिख सकते हैं। और उसके बाद में जैसे 2002 से 3 13,863 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 13,800 लिख सकते हैं। ये हमने राउंड फिगर कर लिया। फिर और अब देखिए तालाब के अंदर 2003 और 2004 के अंदर ये कितना है, 1908 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1908 को हम 1900 लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे 2002 से 3 में कितना है दोस्तों, 1802 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1800 लिख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम नलकूप का करेंगे और फिर अन्य स्रोत का करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहला काम था हमारा इनका राउंड फिगर करना, तो राउंड फिगर हमने यहाँ पर कर लिया, ये दोनों के दोनों राउंड फिगर कर लिए। अब बात आती है इनके परसेंटेज निकालने के लिए, इनको हमें माइनस करना है। अब देखिए माइनस इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहला आ जाएगा 600 बटे में 13,800 आ जाएगा, फिर 100 बटे में 1,800 आ जाएगा, फिर 1,500 बटे में 34,000 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इनको डिवाइड करना है। और परसेंटेज निकालने के लिए जैसे हम 100 लगाते हैं, तो 100 हम बाद में लगाएंगे दोस्तों, 100 हमें नहीं देखना एक टाइम के लिए, 100 को आप भूल जाइए, वो मुझे पता है कि परसेंटेज के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम भूल जाते हैं। हमें केवल ये देखना कि किसके अंदर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, हमें ये देखना है बस। अब देखिए अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर हमने माइनस करके बटे में लिख लिए सारी की सारी चीज़ें। अब देखिए 600 के साथ में 20 है, तो ये जो 20 है, ये 20 इसमें ये कट जाएगी, 100 की ये 20 इसमें ये कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 बटे में 138, 1 बटे में 18, 15 बटे में 340, फिर 6 बटे में 37 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस में हुई, यानी कि इसमें भी वही देखना है दोस्तों कि जो पार्ट है, जब हम किसी रस्सी के टुकड़े करेंगे तो वो जो टुकड़े हैं किसके बड़े होंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसे ही देख लेते हैं दोस्तों, 6 और 6 हमारे पास कितने किस में, ये देखिए एक तो सरकारी नहर और एक अन्य स्रोत, तो इन दोनों के अंदर बड़ा कौन सा होगा दोस्तों। एक देखिए ये है 6 मीटर रस्सी, सरकारी नहर की 6 मीटर रस्सी है, और उसको हमें कितने भागों में डिवाइड करना, 138 भागों में डिवाइड करना, यानी कि 138 टुकड़े करने हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है अन्य स्रोत, इसके अंदर है 6 मीटर रस्सी और इसको केवल हमें 37 भागों में बांटना है। तो जो ज़्यादा बड़े टुकड़े किसके होंगे दोस्तों, ज़्यादा बड़े टुकड़े हमारे नहर अन्य स्रोत वाले के बड़े टुकड़े होंगे, और क्योंकि जो सरकारी नहर है इसके 138 टुकड़े करेंगे तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, अन्य स्रोत आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये भी कंपेयर कर सकते हैं, ये आप कंपेयर करके देख लेना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखिए। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सरकारी नहर और अन्य स्रोत में तो पता कर लिया कि ये जो है हमारा ये बड़ा हो जाएगा, 6/37 वाला बड़ा हो जाएगा। अब हम और जो है और भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे अन्य स्रोत और तालाब को हम कंपेयर करके देखते हैं। अब देखिए 1 मीटर के हम 18 टुकड़े कर रहे हैं और 6 मीटर के हम 37 टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा, यहाँ भी हमें एब्सोल्युटली पता चल रहा है कि 6 मीटर वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के 18 टुकड़े हो रहे हैं और यहाँ पे 6 के 37 टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ से भी आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। अब दोस्तों जब आप सभी का निकाल के देखोगे तो अन्य स्रोत के जो टुकड़े हैं वो बड़े हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अन्य स्रोत की सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका आंसर डी आ जाएगा दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। और अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, किस वर्ष तालाब द्वारा शुद्ध सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। अब हमें ये बताना, देखिए एक एक पॉइंट से लेकर चलते, किस वर्ष
तालाब द्वारा, तालाब कहाँ पे हमारा, ये सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। अब इसके अंदर भी देखिए दोस्तों, सेम टू सेम वही कहानी चल रही है जो पीछे से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए अब 1998-99 में देखना, 98-99 तालाब हमारा ये है, ये रहा तालाब। इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों के अंदर देख ली कितनी वृद्धि हुई है, इसका परसेंटेज निकालना है हमें। ये क्या होगा दोस्तों, ये देखिए 2800 माइनस में 2600 हो जाएगा हमारे पास, और बटे में कितना होगा, 2800 गुना में 100। ये 100 चाहिए आप मत कीजिए, 100 मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जो राउंड फिगर की मैंने जो बात बताई थी उस तरीके से करके सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए, इसका 98 का निकाल लीजिए, फिर 2000 का निकाल लीजिए, फिर इसका, इस तरह से सभी का निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और राउंड फिगर का आप यूज़ करके देखना, बिल्कुल आसानी से आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें राउंड फिगर का यूज़ करना, क्योंकि राउंड फिगर से हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्द निकल जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें सबसे पहली बात ये होती है दोस्तों, डीआई के अंदर क्वेश्चन को समझना, उसमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है वो हमें पता होना जरूरी है। सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार कह रहा है ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई, वो हमें पता करना है। अब देखिए जैसे हम मान के चलते, जैसे इन्होंने सरकारी नहर दिया है, सरकारी नहर ये है। अब इसमें ये देखते हैं दोस्तों, देखिए जैसे 17117 से क्या हुआ, 17093, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऋणात्मक यानी कि माइनस हुआ है, इसमें घटी है कुछ चीज़ें, घटी है, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे बात करें, देखिए इन दोनों की बात करें, 14444 से 14696, यहाँ पे क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, क्या है हमारे पास माइनस हुआ है, यहाँ पे हमारे पास प्लस हुआ है। तो हमें ये देखना है कि ज़्यादा बार किसके अंदर माइनस हुआ है, किसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि हुई है, वो हमें देखना है। चलिए मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखिए इन्होंने कहा है कि सरकारी नहर, निजी नहर, सरकारी नहर, निजी नहर, नलकूप हमारा ये हो गया, फिर हो गया अन्य स्रोत। अब इनके अंदर देखते हैं कि किसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि हुई है सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार। अब ये देखिए यहाँ पे सरकारी नहर में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 98 में 99 में 2000 में 2001 में 2002 में यहाँ पे 5 बार इसमें माइनस हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं निजी नहर में केवल यहाँ पे 2 बार हुआ है, नलकूप में 3 बार हुआ है, और जो अन्य स्रोत है इसमें 4 बार हुआ है, और इसमें 5 बार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सरकारी नहर है इसके अंदर ज़्यादा बार ऋणात्मक वृद्धि हुई है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देने वाली है कि हमें यहाँ पे परसेंटेज वगैरह नहीं निकालना है, केवल और केवल हमें ये देखना कि किसके अंदर ज़्यादा बार माइनस हुआ है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर कोई हमें परसेंटेज 100 से गुना या राउंड ऑफ या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर केवल हमें ये देखना है किसके अंदर ज़्यादा बार माइनस हुआ है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। कई दोस्त हो सकता है इसके अंदर परसेंटेज निकालने लग जाए, वो सोचे कि इसमें परसेंटेज निकालने, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कुल शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में नलकूप तथा अन्य कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था। दोस्तों डीआई के अंदर सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष की बात कर रहा है, हमें पता करना कि कौन से वर्ष में, वर्ष देखिए कौन कौन से दिए गए, 1998, पहले हम मार्क कर लेते हैं, 1998-99 ये हो गया, 2001 ये हो गया, 2003 का हमारा ये हो गया, और 2005 का हमारा ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर ये हमने वर्ष इंडिकेट कर लिए, तो सिंचाई क्षेत्र में नलकूप तथा अन्य कौन सा दोस्तों, ये है का कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था, यानी कि कौन से ईयर में सर्वाधिक हिस्सा नलकूप तथा अन्य स्रोत का था वो हमें पता करना है। अब देखिए कुल टोटल हमारा कितना है, टोटल ये दिया हुआ है। अब देखिए टोटल के अंदर नलकूप का 1999 के अंदर कितना हिस्सा था, इन दोनों का हमें निकालना है, उसके बाद में 2000 से और फिर ये निकालना है, फिर 2003 से फिर इसका ये निकालना है, और फिर 2004
पाँच का ये हमें निकालना है। इस तरीके से इन सभी का निकालना है और तरीका वही सेम रहेगा दोस्तों हमारा, यानी कि दोस्तों इसको हम राउंड फिगर लिखेंगे। 1998-99 को राउंड फिगर कैसे लिखेंगे दोस्तों, 57,411 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 57,000 हम लिख सकते हैं। 57,000 माइनस में हम कितना करेंगे यहाँ पे, ये देखिए 33,988 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 34,000 हम लिख सकते हैं राउंड फिगर। बटे में क्या होगा, 57,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से राउंड फिगर करके हम उसी तरीके से सवाल करेंगे जैसे हम पीछे हमने सभी सवाल किए हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ आप, ताकि अच्छे से कर सके। यहाँ पे हमने पूरा ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इन्होंने क्या है कि इन्होंने राउंड फिगर नहीं लिया, इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ली है। आप यहाँ पे इसमें भी राउंड फिगर का यूज़ करके क्वेश्चन निकाल के देखना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें बता सकते हैं। हमने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी बता सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये क्वेश्चन निकाल लेंगे, और अगर नहीं निकाल पाते तो आप हमें ज़रूर बताना, हम ये क्वेश्चन दोबारा करवा देंगे। दोस्तों आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं डीआई का, और हमारा मिशन है दोस्तों अब होगा डीआई का डर ख़त्म। काफ़ी दोस्तों के अंदर डीआई का डर बैठा हुआ है, पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे ये करने होते, परसेंटेज कैसे निकालने होते, काफ़ी तरह का हवा बना हुआ है। तो हमारा मिशन है कि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है उस डर को निकाल दे। तो उसी डर की कड़ी में ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में आप बिल्कुल आसानी से देखना कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो से आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे कि डीआई के अंदर जो परसेंटेज वगैरह है वो किस तरह से निकलती है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आया था 2014 के अंदर, आया था दिसंबर 2014 एग्ज़ाम के अंदर। देखिए दोस्तों डीआई का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि उसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमें ध्यान से पढ़नी होती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों से किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जन निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। ये यहाँ पर तालिका दी गई है, और ये जो तालिका है दोस्तों ये मिलियन मीट्रिक टन के अंदर दी हुई है, और इसी के बेस पे दोस्तों हमें ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इस बेस पे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए दोस्तों ये सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि वर्ष 2005 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र से CO2 उत्सर्जन की प्रतिशतता वृद्धि क्या है, वो हमें बतानी है। देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है कि 2005 से 2009, 2005 हमारा ये है और 2009 ये है। इसके अंदर देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत कौन सा हमारा ये है। अब देखिए इसके अंदर एक तो आता है हमारा 500, एक आता है हमारा 800। अब इसमें यह बताना है कि जो वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों। डीआई की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखना दोस्तों। उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें बताई है जिस पर हमारी पूरी की पूरी डीआई टिकी हुई होती है। तो दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला क्या था कि फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू बटे में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये थी हमारी फॉर्मूला। इसके अंदर देखिए फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइनल वैल्यू है 800 माइनस में इनिशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों, 500 है, बटे में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों, 500 है यहाँ पे, और गुना में क्या आ जाएगा, गुना में 100 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 800 में से 500 जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 300 यहाँ पे रह जाएगा। अब देखिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 800 माइनस में 500 बटे में 500 गुना में 100 हमने कर लिया। अब देखिए ये रह गया हमारे पास 300 बटे में 500 गुना में 100। अब देखिए 20 से 20 कट गई, और 5 से क्या कटेगा दोस्तों, ये 300 को कट करें तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 60% यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जब दो हमारे पास ईयर दी गई हो, जैसे 2005 से 2009 के बीच में
प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू जो ईयर दी हुई होती है यानी कि फाइनल वैल्यू, यानी कि 800 माइनस में इनिशियल वैल्यू जो हमारी पहले वैल्यू दी हुई होती है, वो इन दोनों में से माइनस करके जो पहले वाली वैल्यू होती है शुरू में जो दी हुई होती है उसको बटे में करना और गुना में 100 करना है। इस तरह से हमें उसका प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आसान हमारा क्वेश्चन है। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 2005 से 2009 के दौरान CO2 उत्सर्जन में किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें सभी क्षेत्र जो दिए हैं उनकी वृद्धि प्रतिशत निकालनी है। और पिछले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों उसके अंदर हमें क्या था कि केवल और केवल विद्युत क्षेत्र से निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये निकालना है कि किस क्षेत्र से, तो हमें सारे के सारे क्षेत्र देखने हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है, विद्युत दिया गया है ये, और ये हो गया उद्योग है, ये हो गया वाणिज्य है, ये हो गया और कृषि है हमारे पास, ये हो गया, ये चार दिए गए हैं। तो इनका हमें पता करना है। तो इनका पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, 800 में से 500 माइनस करना, फिर बटे में 500 गुना में 100, ये करेंगे। यहाँ से हमने निकाला था वो कितना आया था दोस्तों, 60% आया था। विद्युत कितना आया था, 60% आया था। फिर हमें क्या करना है, 450 में से 200 माइनस करेंगे और बटे में क्या करेंगे, बटे में 200 करेंगे और गुना में 100 करेंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से पूरा निकलेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये देखिए विद्युत का तो हमने निकाला था 60% आया था। अब उद्योग की बात करते हैं, उद्योग कैसे आएगा दोस्तों, 400 माइनस में 200 बटे में 200 गुना में 100, यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125% आ जाएगा। फिर वाणिज्यिक क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें क्या होगा, 320 माइनस में 150, ये देखिए 320 माइनस में 150 बटे में 150 गुना में 100, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से कृषि क्षेत्र का निकालेंगे दोस्तों, 200 माइनस में 80 और बटे में 80 गुना में 100, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसका आ जाएगा 150%। और अब इसमें हमें बताना था अधिकतम वृद्धि बतानी थी। अब देखिए अधिकतम वृद्धि किस में हो रही है दोस्तों, ये हो रही है हमारे कृषि क्षेत्र में हो रही है, यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहां से आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात ये है दोस्तों, हमें उसका तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें निकालना है। तो दोस्तों आप हमें पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चन निकालना है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने क्या कहा है, वर्ष 2005 से 2009 में CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशत तक बढ़ा है, ये हमें बताना है दोस्तों। अब देखिए सन 2005 से 2009, 2005 ही हो गया, 2009 तक CO2 का कुल उत्सर्जन हमें, कुल टोटल बताना है दोस्तों। टोटल का मतलब है कि जैसे विद्युत उद्योग ये सभी हमें प्लस करना है, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस में करना है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये दोनों के दोनों प्लस करने हैं, और फिर हमें देखना कि कितना प्रतिशत बढ़ा था। देखिए दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले 2005 का कुल करेंगे, टोटल करेंगे, उसके बाद 2009 का टोटल करेंगे और फिर इनकी प्रतिशत निकालेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा 2005 दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए 2005, 2005 में जितनी भी हमारी ये वैल्यू है इन सभी को हम प्लस करेंगे। ये देखिए ये प्लस किया, प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा 1030 यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो 2009 की जो जितनी भी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये इन सभी को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1950 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास वृद्धि हुई है, 1950 हमारे पास आ गया, पहले कितना था 1030 था, तो मतलब क्या है कि वृद्धि हुई है। अब हमें ये देखना कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही था दोस्तों, एफ माइनस आई बटे में आई गुना में 100 जो हमारा फॉर्मूला था, और उसी फॉर्मूले के अंदर ये रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारी जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी दोस्तों 89.32, 89.32% यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये कहा है कि विद्युत अक्षेत्र में CO2, अब देखिए विद्युत अक्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों, इसके अंदर क्या कहा है कि इसने कहा है कि वार्षिक वृद्धि दर क्या है, वार्षिक वृद्धि दर हमें देखना है। अब देखिए ये बात कर रहा है विद्युत क्षेत्र में, ये हो गया, और इसके अंदर ये सारे के सारे ईयर का देखना। अब देखिए सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, 2005 से 2006 में जब गए तो ये देखिए यहाँ पे वृद्धि हुई, फिर 600 से 650 वृद्धि हुई, फिर 650 से 700, फिर 700 से 800, यानी कि इनके अंदर औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई वो हमें निकालना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि 500 से लेके 600 में इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, फिर 600 से 650 में कितनी हुई, और फिर 650 से 700 में कितनी हुई, और फिर 700 से 800 में कितनी हुई। इन सभी की हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। ये देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर वही है जो हम पीछे करते हुए आ रहे थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू बटे में इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही हमने किया है, 600 माइनस में 500 बटे में 500, और दोस्तों ये 1000 है ना, 1000 नहीं है, ये गलती से लिखा गया, ये 100 आएगा, 1000 यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये सभी में 1000 है ना, 1000 नहीं है, ये 100 है, 100 आएगा, यहाँ पे गलती से 1000, 10 फालतू इसमें लग गई। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी में निकालेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि 6 से 7 का हमें निकालना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 650 माइनस में 600 बटे में 600 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से हम इसको करेंगे। और ये यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी का हम करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सबसे पहले 20% आ गया, फिर 8.33% आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ये सभी प्रतिशत, ये देखिए इन सभी प्रतिशत को यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा दोस्तों, औसत वार्षिक वृद्धि दर आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, जो हमारी प्रतिशत निकली है उनका औसत हमारे पास आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा गया है और हमें किस तरह से इसको निकालना है। और दोस्तों अगर किसी को भी इनमें से कोई बात समझ में नहीं आई है, हो सकता है किसी को डिफ़िकल्टी हो, किसी को कम समझ में आया हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और या फिर आप हमें दोस्तों जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है नीचे आप देख सकते हैं, ये नीचे दिया हुआ है 8708321010, इस पे हमें मैसेज कीजिए। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रतिशत योगदान क्या है। अब देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि वर्ष 2008 हमारा ये है, इसके अंदर कुल CO2, कुल CO2 का मतलब दोस्तों ये पूरा का पूरा हमें प्लस करना है, ये पूरा का पूरा हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद दोस्तों हमें देखना कि उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का क्या योगदान है, वो हमें देखना है। चलिए दोस्तों इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें 700 का यानी कि विद्युत क्षेत्र का निकालना, तो ये ऊपर रख लेंगे, 700 ऊपर रख लिया हमने, और नीचे में कुल उत्सर्जन का हमें निकालना, तो इन सभी का टोटल हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे। इन सभी का नीचे हमने टोटल किया और मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे किया, 700 बटे में 1700 गुना में 100। जब इनको 20 से 20 कट करेंगे तो ये हमारा प्रतिशत कितना आ जाएगा दोस्तों, 41.18% हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और DI के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस तरह से करना है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।